मेष राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन एक सावधानी रखनी होगी। जिन लोगों को सामाजिक क्षेत्र में काम करना है या लोगों से मिलने जुलने का काम रहता है, वह इस दिन अपनी भाषा पर और अपनी सोच पर, अपने क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखें, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करना है? कुत्तों को भोजन कराइए बड़े सेवा भाव से, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, ये दिन आपके लिए तो ठीक है, लेकिन आपके घर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी भागम भाग बड़ी लगी रहेगी। कुल मिला के समय अच्छा है, चिंता ना करें, बस एक सावधानी बरतें, जिन लोगों को कोई रोग चला आ रहा है पिछले तकरीबन 3 महीने से, वह ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? इस दिन गुड़ और दूध का दान अवश्य करें। मिथुन राशि, ये समय आपके लिए अनुकूल है, इस समय में आपके द्वारा किए गए कार्य के अच्छे फल मिलेंगे, अचानक कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन दुश्मन बहुत मुखर है और कोई व्यक्ति आपकी कीमती चीज गायब ना कर जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, सोच समझकर हस्ताक्षर कीजिएगा, एक उपाय कर लीजिएगा, ओम गणपताय नमः का जप करें, उन्हें दूरवा भेंट करें, फिर काम पर जुट जाएं। कर्क राशि, मन व्यथित तो रहेगा, चिंताग्रस्त रहेगा, कुछ अकेलापन और आलस्य से आप महसूस करेंगे, लेकिन दिन तरक्की वाला है। हाँ, एक सावधानी जरूर बरतिएगा, वाहन ध्यान से चलाइएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर करने के लिए आप माँ और बाबा की पूजा करें, यानी शिव और शक्ति की पूजा करें, और उसके बाद काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन अच्छा नहीं है, धन की दृष्टि से ये दिन अच्छा है, बाहर घूमने फिरने की दृष्टि से ये दिन अच्छा है, किसी अच्छे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई पुराना रिश्ता भी आपसे पुनः मिलकर ताज़ा हो सकता है, लेकिन एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अपने पेट पीठ और पैर का बहुत ख्याल रखिएगा। उपाय क्या कर रहे हैं? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप लाल मसूर की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। कन्या राशि, मन कुछ व्यथित रहेगा, चलायमान रहेगा, कुछ भावुक भी होंगे और एक अनजाना सा भय आपको महसूस होगा, लेकिन दिन कुल मिला के अच्छा है, इसलिए आप अपना काम करते रहिए, चिंता ना कीजिएगा, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन आपको ठंड ना सतावे। उपाय क्या करना है? गुनगुना पानी पीजिए, इस दिन ठंडी चीजों से परहेज रखिए और ओम नमः शिवाय का जप करके फिर जुटिए अपने काम पर, सब ठीक होगा। तुला राशि, वक्त आपके लिए ठीक है, अच्छे से अपना काम कीजिए, चिंता ना कीजिए, मन को प्रसन्न रखने वाले कई अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन एक सावधानी रखिएगा, इस दिन घर के किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। उपाय क्या करेंगे? अपने और घर के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ओम रुद्राय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, दिन आपके लिए धनदायक सिद्ध हो सकता है, आपको खुशी महसूस होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन आपकी वजह से आपकी गृहस्थी में वाद विवाद ना हो, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम हनुमते नमः का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। धनुराशि, भाषा की वजह से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए अपनी भाषा पर काबू रखें, वैसे दिन कुल मिला के अच्छा है, आप रुके हुए कार्य को पूरा कीजिए, यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो मांगिए, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन जल्दबाजी में किसी को धन देने का फैसला मत ले लीजिएगा, नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए 5 पन्नों का दान और शहद का दान जरूर कीजिएगा। मकर राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, मेहनत के अच्छे परिणाम भी आपको सामने मिलेंगे, किसी की मदद से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, एक सावधानी, इस दिन थोड़ा फ्लेक्सिबल होके चलिएगा, अगर किसी से मदद लेनी पड़े तो संकोच मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए इस दिन आपको पके हुए भोजन का दान करना और पके हुए भोजन में अचार जरूर रखिएगा। कुंभ राशि, समय आपके लिए अच्छा है, लाभ देने वाला ये दिन है, इसलिए खूब मेहनत से अपना कार्य करते रहिए, प्रभु जी आपके कार्य सफल करेंगे, बस एक सावधानी बरतनी इस दिन जरूरी है, इस दिन आपको पेट की कोई दिक्कत ना हो जाए और दूसरी बात, आपके रिश्तों में कहीं कोई खटास ना उत्पन्न हो जाए, निजी संबंधों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो उपाय कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। उड़द की दाल का दान करना मत भूलिएगा, किसी भी जरूरतमंद को कर दीजिए, दिन अच्छा गुजरेगा। मीन राशि,
यह दिन प्रतिष्ठा में कुछ बाधाएं पहुंचाता हुआ दिख रहा है, इसलिए निर्णय सोच समझ कर लें, अपना व्यवहार ठीक रखिएगा और थोड़ा सतर्क भी रहिएगा क्योंकि इस दिन शत्रु आपकी फिराक में है। सावधानी, वाहन ध्यान से चलाएं और अपने माता पिता की सेहत का ख्याल रखें। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम रुद्राय नमः का जप करें और शहद का दान करें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।